हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरती मेहरा। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टूर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। वेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी दो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। फर्स्ट वन हिज DUJAT एंड सेकेंड वन हिज CUCET। तो आज हम इन दोनों एग्ज़ाम के सिलेबस देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस हिसाब से एग्ज़ाम पैटर्न आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप DUJAT क्वालिफाई करते हो तो आपको BBA, BMS, BBE में एडमिशन मिल सकता है और बाकी सारे कोर्सेज के लिए आप CUCET भी दे सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो दोनों एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न सेम होता है। 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, विच मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे और आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 मार्क्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप DUJAT देना चाहते हो तो 12th में आपको मिनिमम 65% होना ज़रूरी है और अगर आप CUCET का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके 12th में मिनिमम 40% मार्क्स होने ही चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। सबसे पहले बात करते हैं CUCET की। तो CUCET 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है सब्जेक्ट बेस्ड, जिसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और सेकंड होता है एप्टीट्यूड बेस्ड। एप्टीट्यूड 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, लास्ट इज जीके। ऑन द अदर हैंड DUJAT में देखें तो DUJAT में भी 6 सेक्शन होते हैं, जिसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स विच इज़ कंपल्सरी एंड 6th इज जनरल अवेयरनेस। DUJAT का एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू CUCET। CUCET आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, बस आपको ये सारे सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। तो आई होप गाइज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और लेटेस्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।